तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनदर अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आई हुई है तिस की तरफ से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंसेस की तरफ से, जिसके लिए एनी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टी या स्टेट से है, बोथ बॉय एंड गर्ल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है ये टिस की तरफ से आई हुई है विद रिगार्ड टू द रिसर्च इंटर्न्स पोजीशंस। ओके, सो कंप्लीट डिटेल्स के साथ जान लेते हैं इस पोजीशंस के बारे में कि किन लोकेशंस पे ये रिसर्च इंटर्न्स अवेलेबल है। ओके, सो बेसिकली ये 18 नंबर की रिसर्च इंटर्न्स की पोजीशंस आई हुई है, जिसमें 4 इन ओडिशा, 7 इन छत्तीसगढ़ एंड 7 इन झारखंड में ये पोजीशंस आई हुई है। ओके, सो गाइस इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो स्टूडेंट्स हु इज परसुइंग द मास्टर्स डिग्री और कंप्लीटेड द मास्टर्स इन सोशल साइंसेस, दे कैन अप्लाई। दे आर हैविंग द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ द रूरल लेवलहुड एंड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, दे शुड हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट द रूरल फील्ड वर्क इंडिपेंडेंटली और हैविंग द गुड रिपोर्ट राइटिंग एंड एनालिसिस स्किल्स। ओके, this is all about the eligibility criteria. So one who is having the master's degree or the completed the master's in the social sciences, they can apply for such research interns positions. okay, so yahan pe aap logon ko kya roles and the responsibilities rehne wali hai in order to undertake the household surveys to assess the skill and form of the forest based livelihood in the tribal areas, to discuss with the gram sabha members about the process of the implementation of the Forest Rights Act, to analyze and the document the collected information for the above two objectives. Okay, so guys agar aap is position ke liye apply karna chahte hain to yahan pe aap logon ko jo bhi interested candidates honge they have to send their cv at tisrrg@gmail.com on or before 14th of the November se aap logon ko pehle यहाँ पे अपना CV इस Gmail ID पे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसीजर मोड फॉलो कर देना है। दैट इज़ आप लोगों को सिंपली अपना CV जो है इस ईमेल ID पे सेंड कर देना है। सो द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स दे विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू आप लोगों का यहाँ पे होगा। देयर विल बी नो एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिंपली ऑनलाइन इंटरव्यू होगा ऑन 17th and 18th ऑफ नवम्बर। ओके, सो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे दे विल गो थ्रू अ 2-day ट्रेनिंग प्रोग्राम बिफोर दे ज्वाइन। सो द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज 10th to 11th ऑफ द डिसम्बर 2021। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स विद रिगार्ड टू दिस रिसर्च इंटर्न्स पोजिशन। सो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, सो 45 डेज की ड्यूरेशन दी गई है, दैट इज 10th of December 2021 टू 14th of January 2022, all right? So basically this is all about the selection, all about the educational criteria with regard to this positions. अगर हम stipend की बात करें, so basically आप लोगों को यहाँ पे stipend मिलेगा ₹10,000 and field work expenses that is ₹5,000, that is total आप लोगों को यहाँ पे stipend मिलेगा 15K, okay? That is ₹15,000, okay? So guys, if you are interested in this position, so link आप लोगों को नीचे description में provide की गई है, जहाँ से आप लोग कुछ ऐसे PDF लिंक पे आ जाएंगे। दैट इज़ बेसिकली एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू दिस पोजीशन। तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं एंड अपना जो अपना CV है आप लोगों को इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसे ही डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।